हमारे साथ एक रिपोर्ट है हमारे पास अमीन हफीज की लाहौर ऑर्गेनिक विलेज से, तो आइए चलिए वो देखते हैं और उसके बाद दोबारा से इनसे बातें करेंगे। अस्सलामु अलैकुम डॉक्टर अबीरा, अमीन हफीज लाहौर के एक ऐसे मुनफरिद और अछूते गांव में आ गए हैं। हाय 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 हाय, आपने लाहौर के गिर्दोनवा में बड़े गांव देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको जिस गांव में लाए हैं इसका नाम है लाहौर ऑर्गेनिक विलेज। ये जिंदा दिलों के शहर लाहौर में ऐसी जगह पर वाकया है कि जिसको लाहौर का दिल कहा जाता है, और यहाँ पर जितनी भी फसलें हैं वो सारी ऑर्गेनिक हैं, ऑर्गेनिक खाद इस्तेमाल होती है, कोई नकली खाद कोई केमिकल खाद इस्तेमाल नहीं होती, इसीलिए इसको कहते हैं लाहौर ऑर्गेनिक विलेज। आज हम इस गांव की जो गुड़ बनाने का प्रोसेस है वो हम आपको दिखाएंगे। गन्ने की कटाई, उसकी सफाई सुथराई, और फिर उसकी रो निकाल के उस रो से जो गुड़ बनता है वो प्रोसेस भी दिखाएंगे। हर चीज है ऑर्गेनिक। अमीन हफीज लाहौरी बादशाह पहुंच गए हैं लाहौर ऑर्गेनिक विलेज में। यहाँ गन्ना काटा जा रहा है टोके के साथ। आज लाहौरी बादशाह अमीन हफीज भी गन्ना काटेंगे। आप ये जरा पकड़ेंगे हमारा डिस्कवर का माइक, और अमीन हफीज साहब गन्ना काट सकते हैं? काटो जी। काट, इजाजत मिल गई है अमीन हफीज साहब को। ये गन्ना और ये टोका, 1 2 3 गन्ना काट लिया अमीन हफीज साहब ने। अब मैं और गन्ना काटूंगा, ये भी काट लिया, और अभी मुझे शौक हो गया, एतमाद भर गया है। वाह जी वाह, वाह जी वाह, ये गन्ना भी काट दिया, और लाहौरी बादशाह ने गन्ना काट के बता दिया है कि अमीन हफीज देहातों का भी काम जुरत बेपाकी और एतमाद के साथ कर सकते हैं। आपने खेतों में गन्ने की कटाई और ट्यूबवेल पर उसकी धुलाई सफाई सुथराई देखी, और अब मरहला आ गया है गन्ने से रो निकालने का। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि सफाई सुथराई किए हुए गन्नों की निकल रही है रो, और ये है ऑर्गेनिक रो। ये है लाहौर ऑर्गेनिक विलेज की असली रो जो अमीन हफीज साहब पियेंगे। हाय 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 हाय, मजा आ जाएगा, और फिर बनेगा गुड़। हाय हाय हाय, वो जो गुड़ होगा फिर आप जो भी खाएंगे जितना भी खाएंगे आपको गुड़ सारा कुछ हजम कर देगा। बारी आई है रो पीने की। वाह जी वाह, हमने आज आपको गन्ने से गुड़ बनाने का पूरा प्रोसीजर दिखाया, और इस वक्त देखें रो को गर्म कर करके इतना गाढ़ा कर लिया गया है कि अब उसको जो गुड़ बनाने का प्रोसीजर है वो होने लगा है
शुरू। ये देखें मेरे पीछे जो गन्ने की रो थी उसको पका पका के इतना गारा कर दिया गया है कि अब उसको लकड़ी के इस हिस्से में रख के अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा ठंडा किया जाएगा। जैसे ये ठंडा होगा उसके बाद गुड़ की जो टेहनियाँ होती हैं, जो छोटे छोटे गुड़ के पीसीज होते हैं, वो बनाए जाएंगे और फिर हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। आप गुड़ खाएंगे और कहेंगे हाय 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 हाय।